नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका जो यूएन नंबर है, 12 डिजिट का जो यूएन नंबर रहता है, बोल सकते हैं जो पीएफ अकाउंट है, उसके साथ अगर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो लिंक नहीं है, यानी कि सीड नहीं है, तो कैसे आप लिंक कर सकते हो, आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। देखिए, समय समय पर ईपीएफओ जो है केवाईसी को लेकर बदलाव करता है, कुछ नए नियम लागू करता है। पहले जो है, अगर आप एक साल पहले की वीडियो देखेंगे तो ईपीएफओ ने 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला तो ये कि अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, तो सिंपल आप जो है ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इस पर लॉगिन कीजिए, केवाईसी के सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आधार केवाईसी का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कीजिए और अपना आधार कार्ड नंबर जो है सीड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। और जैसे सीड हो जाता था, यहाँ पर मैसेज आ जाता था सक्सेसफुली सीड का। दूसरी फैसिलिटी ईपीएफओ ने ये दे रखी थी कि ईपीएफओ ने एक स्पेशल जो है ई केवाईसी पोर्टल लॉन्च कर रखा था, इस पोर्टल को ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको जो है केवाईसी यानी कि आधार लिंक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता था। यहाँ पर अपना जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन कीजिए, अपनी डिटेल मेंशन कीजिए, उसके बाद जो है रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए, उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो जाता था। तीसरा तरीका यह था कि आप उमंग ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते थे, हालांकि ऑप्शन अभी भी है, बट अब क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सिंपल ईपीएफओ का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर ई केवाईसी का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आधार सीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल यहाँ पर अपना जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करके जो यहाँ से भी आप जो सीड कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। इसके साथ साथ चौथा जो ऑप्शन था वो ये था कि आप जो अपनी कंपनी से आपका जो नियोक्ता है उससे आप करवा सकते थे। तो पहले जो है ये वो तरीके थे जिसके माध्यम से आप जो है अपना आधार कार्ड नंबर अपने यूएन अकाउंट के साथ लिंक कर सकते थे। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप सभी के लिए। अब बात करते हैं कि अब आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो कैसे लिंक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक जो है ईपीएफओ ने ऐसा कोई भी तरीका नहीं दिया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन नहीं कर सकते। ई केवाईसी का जो पोर्टल है इसको ईपीएफओ ने बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये पोर्टल ओपन ही नहीं होगा। दूसरा, यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने जाओगे तो बता देगा कि आधार जो है सीड नहीं है, लिंक नहीं है यूएन अकाउंट के साथ, तो अपनी कंपनी को बोलिए सीड करे, उसके बाद लॉगिन कीजिए, वो भी बंद कर दिया तरीका। तीसरा, उमंग ऐप पर भी जो है आप जब रिक्वेस्ट सबमिट करोगे, जैसे ही उमंग ऐप ओपन करोगे, ईपीएफओ का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको आधार सीडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे आप प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप जो अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करके सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एरर मैसेज आ जाएगा कि द सर्विस यू वी आर लुकिंग फॉर इज एक्सपीरियंस सम इशू, प्लीज ट्राई अगेन। ये मैं पिछले 1-2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, सेम यही एरर मैसेज आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो उमंग ऐप के माध्यम से भी नहीं कर सकते। तो ईपीएफओ ने जितने भी ऑनलाइन तरीके थे आधार कार्ड नंबर को अपने यूएन अकाउंट के साथ, अपने पीएफ अकाउंट के साथ लिंक करने को, उसको सारा बंद कर दिया है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई जब ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, ये सारे तरीके बंद कर दिए, तो अगर हमारा 12 डिजिट का जो यूएन नंबर है उसके साथ हमारा आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, सीड नहीं है, तो हम अब कैसे कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, चलिए मैं आपको 1 by 1 दोनों तरीके बता देता हूँ। तो पहला जो तरीका है वो ये है, जब आप अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं रहता, तो जैसे पोर्टल पर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ईपीएफओ साफ साफ बता देता है कि आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, तो आप जो है अपने एम्प्लॉयर से करवाइए, यानी कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, उससे आपको करवाना पड़ेगा। और पासवर्ड रीसेट करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तब भी आपको मैसेज देखने को मिल जाता है कि आपका आधार नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ सीड नहीं है, लिंक नहीं है, तो आप जो है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसके थ्रू जो है सीड करवाइए, उसके बाद आप जो है ये काम कर सकते हो। तो पहला तो तरीका यही है कि अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, सीड नहीं है, बोल सकते हैं अपडेट नहीं है, तो आपको अपनी कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, आपकी जो भी कंपनी है, आपका जो भी नियोक्ता है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उससे बात कीजिए, जो भी उनका पीएफ का काम करता है, जो भी पीएफ डिपार्टमेंट है आपका कंपनी में, उनसे बात कीजिए,
तो वो आपका जो है आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे। तो पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया आपने कंपनी और सीड नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है कि जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तब आपका आपके यूएन अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड नंबर जो है लिंक हो जाएगा, सीड हो जाएगा। क्योंकि जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारा नया पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है और उस समय हमें जो अपनी केवाईसी देनी रहती है, तो कंपनी जब नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करती है उस समय जो हमारी केवाईसी जो है लिंक हो जाती है, सीड हो जाती है। तो ये हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, उसी से ही जो है आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक होगा, सीड होगा। तो दो तरीके तो ये हो गए। अब तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म रहता है, इसको भरकर भी आप जो सीड करवा सकते हो। इसके साथ साथ आपकी अगर डिटेल कुछ मिसमैच है तो उसको भी ठीक करवा सकते हो। सिंपल आपको जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जो अटैच करना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कंपनी इस पर स्टैम्प मोहर लगाएगी। कंपनी बंद हो गई है तो फिर आपको जिस बैंक में आपकी सैलरी आती थी उस बैंक में जाना पड़ेगा, उस बैंक मैनेजर से साइन मोहर लगवानी पड़ेगी। उसके बाद ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है, ये आपको ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद जब आप जमा कराएंगे तो उनसे तभी पूछ लेना कि इसमें देख लीजिए क्या क्या गलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने नहीं लगाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट और लगाने हैं। अगर सब कुछ ओके है तभी आप मेरा फॉर्म लीजिए, अदरवाइज मेरे को अभी बता दीजिए, बाद में आप रिजेक्ट करोगे, मेरा जो है काम नहीं होगा। तो उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको बता देंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे कि भाई बिल्कुल ओके है या फिर इसमें कुछ मिसमैच है, कुछ डिटेल, कोई डॉक्यूमेंट और अटैच करना है, कोई लेटर और लिखना है, तो वो आपको बता देंगे। तो उसी समय आप जो है दोबारा से जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट बताते हैं, जो भी प्रोसेस बताते हैं कि भाई ये तरीका कीजिए, ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, ये आपको जो है काम करना पड़ेगा, तो जो भी वो आपको बताते हैं वो फॉलो कीजिए। उसके बाद जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराइए जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। तो उसके बाद आपका जो है आधार नंबर सीड भी हो जाएगा और अगर कुछ मिसमैच होगी डिटेल तो वो भी आपको जो है ठीक हो जाएगी। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। तो मैंने आपको बता दिया आपकी कंपनी करेगी, अगर कंपनी छोड़ दी है तो जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तब हो जाएगा, या फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से अब जो है आप ठीक करवा सकते हो। तो अब जो है ईपीएफओ ने सारे ऑनलाइन तरीके हटा दिए हैं, सिंपल एक ही तरीका है, अपनी कंपनी के थ्रू आप जो है अपना आधार कार्ड जो नंबर है उसको सीड कराइए अपने पीएफ यूएन अकाउंट के लिए, या फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भरकर जो है सबमिट कराइए। उमंग ऐप के माध्यम से आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं जो है पिछले 2-3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, ये जो है प्रॉब्लम लगातार आ रही है जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, ये मैसेज देखने को मिल रहा है। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब अगर आपके मन में एक सवाल और है आ रहा होगा, मुझे पता है कि हमारी कंपनी बंद हो गई है, ताला लग गया है और हम कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहे और आगे भी नहीं करेंगे, तो हम जो है हमारा पीएफ का पैसा हम कैसे विड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो है केवाईसी तो है नहीं हमारे यूएन अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर भी ईपीएफओ एक फैसिलिटी देता है क्या कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म कौन सा, चलिए मैं आपको जो है ईपीएफओ की जो वेबसाइट है वहां पर लेकर चलता हूं और इसके बारे में आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको अपने मोबाइल में भी ओपन कर लेनी है ईपीएफओ की वेबसाइट। सिंपल कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, ईपीएफओ टाइप करना है, सर्च कर लेना है। यहां पर ईपीएफओ की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है epfindia.gov.in आ जाएगी, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो इस तरह का जो इसका होम पेज आता है, बाकी इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फॉर एम्प्लॉयज का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। और जैसे ही फॉर एम्प्लॉयज का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट लिंक्स यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, नो विच क्लेम फॉर्म टू सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दो फॉर्म देखने को मिलेंगे, देख सकते हो वांट एंड एन एडवांस फ्रॉम माय पीएफ अकाउंट। यहाँ पर देखिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म, अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक है तो फिर आपको जो है कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार, ये जो फॉर्म है इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपको भरना पड़ेगा। इससे आप जो अपना एडवांस में भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, पूरा पीएफ का पैसा भी निकाल सकते हो और फॉर्म 10C अप्लाई हो जाएगा तो आपका पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। तो जो भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है एडवांस के लिए तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एडवांस पे यहाँ पर टिक करना है,
अगर आपको पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, और पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है तो इन दोनों पे टिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर पेंशन विड्रॉ बेनिफिट और फाइनल पीएफ सेटलमेंट, और एडवांस करना है तो यहाँ पर टॉप टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, डिटेल, आपका जो भी यूएन नंबर है वो सारी डिटेल मेंशन करके आप इसको जो है सबमिट करा दीजिए ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर भी मेंशन करना रहेगा। तो ये जो फॉरम है कॉम्पोजिट क्लेम फॉरम आधार संयुक्त दावा प्रपत्र आधार, ये उनके लिए है जिनका आधार कार्ड नंबर उनके यूएन अकाउंट के साथ लिंक है, सीड है, तो वो ये फॉर्म भरकर अपना पीएफ का एडवांस में और पूरा पीएफ का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। ये फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्शन का भी एक आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको जो कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब आपका अगर आधार कार्ड नंबर यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, कोई भी केवाईसी लिंक नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको ये जो है कंपोजिट क्लेम नॉन आधार, ध्यान देना नॉन आधार का ये जो ऑप्शन है, ये जो फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपको भरना है। देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संयुक्त दावा प्रपत्र आधार रहित नॉन आधार का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इससे भी आप जो है एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा। पीएफ का और पेंशन का पैसा पूरा विड्रॉ करना है तो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा पूरा, और यहाँ पर जो बताया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें नियोक्ता के हस्ताक्षर, नियोक्ता का पदनाम व सील, अगर कंपनी बंद हो गई है तो बैंक में जाइए जिसमें भी आपकी सैलरी आती थी, जिस भी बैंक में, उसके मैनेजर के जो है साइन मोहर करवाइए, वो यहाँ पर करवा कर फिर इसको जो है आप लगा सकते हो। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार, इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कैसे आपको भरना है। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानकारी मिल जाएगी, बाकी इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, यहाँ से अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो आप किसी भी ईपीएफओ के पीएफ ऑफिस में जाओगे और वहाँ पर उनको बोलोगे, वहाँ पर जो भी स्टाफ रहता है उनको, कि मेरा आधार कार्ड नंबर यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो मेरे को पीएफ विड्रॉ करना है, वहाँ पर हेल्प डेस्क भी रहता है, तो उनसे आप बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे, आपको ये जो है फॉर्म देंगे, वहाँ पर भी फॉर्म मिलता है, तो वहाँ से भी फॉर्म लेकर आप भरकर जो है जमा करा सकते हो। तो ये एक तरीका है, अगर आधार कार्ड नंबर आपका यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो इस तरह भी आप जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा और एडवांस में पीएफ का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो कैसे आप सीड करवा सकते हो, लिंक करवा सकते हो, तरीका एक ही है, अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, कंपनी के थ्रू, सारे जो ऑप्शन है ईपीएफओ ने खत्म कर दिए हैं, बोल सकते हैं बंद कर दिए हैं। तो बस ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो ईपीएफओ ने जो पहले फैसिलिटी दे रखी थी, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, क्या दोबारा से वो देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, ईपीएफओ ने अच्छा काम किया? मेरे हिसाब से तो अच्छा काम तो नहीं किया, बट आप जो अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।